दोस्तों, पौधे और दरख्त हमारे माहौल में हवा को साफ करके हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का मेन सोर्स हैं। ये भी एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए इन्हें भी जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है, जो कि ये पानी, मिट्टी और धूप के जरिए से हासिल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस दुनिया में कुछ ऐसे पौधे भी मौजूद हैं जो कीड़े मकोड़े और छोटे रेप्टाइल्स को खाकर अपने अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि सुनने में आपको ये काफी अजीब लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसे पौधे उन जगहों पर उगते हैं जहाँ मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब पौधे देखेंगे और जानेंगे कि कैसे और क्यों ये पौधे कीड़े मकोड़ों और छोटे रेप्टाइल्स को अपना खाना बनाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रोसेरा कैपेंसिस। दोस्तों, इस पौधे को आमतौर पर सन ड्यू के नाम से भी जाना जाता है और इसकी तकरीबन 200 स्पीशीज दुनिया में पाई जाती हैं। ये पौधे ज्यादातर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलते हैं, जो कि ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां मिट्टी कमजोर हो, यानी मिट्टी के अंदर खुराक के वो अज्जा मौजूद ना हो जो कि एक पौधे की जिंदगी और नशोनुमा के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे में ये पौधे पानी और धूप से मिलने वाली खुराक तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं, जिसके लिए इनके पत्तों पर छोटे छोटे बेशुमार टेंटिकल्स बने होते हैं और इन टेंटिकल्स पर ओस के कतरों की तरह चमकदार और शहद की तरह मीठा नजर आने वाला एक लेसदार मादा मौजूद होता है, जो मक्खी जैसे कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब कीड़े इसे चूसने के लिए आते हैं तो वो यहीं पर चिपक जाते हैं, जिसके बाद ये पौधा पहले तो टेंटिकल्स की मदद से अपने शिकार को चारों तरफ से जकड़ लेता है और फिर अपने पत्ते को रोल करके डाइजेस्टिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। दोस्तों, रिसर्चर्स के मुताबिक ये पौधा अपने शिकार की बॉडी में से प्रोटीन लेकर अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। आमतौर पर पौधे मिट्टी में से नाइट्रोजन लेते हैं, लेकिन इस पौधे के केस में ये प्रोसेस काफी अलग और अजीब है, जिसे देखकर यकीनन आप भी हैरान हो रहे होंगे। लेकिन रुको जरा, अभी तो हमारी लिस्ट में इससे भी ज्यादा हैरानकुन पौधे मौजूद हैं। रुको जरा, सबर करो। वीनस फ्लाई ट्रैप। दोस्तों, ये पौधे अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना स्टेट्स में पाए जाते हैं, जो कि उस जगह पर ग्रो होते हैं जहां मिट्टी में डिफरेंट एसिड्स मौजूद हों। आमतौर पर हर पौधे को जिंदा रहने के लिए जमीन में से फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन, ये तीन मेजर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। लेकिन वीनस फ्लाई ट्रैप चूंकि एसिड प्लेसेस पर ग्रो होते हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी में से ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधा इंसेक्ट्स और छोटे रेप्टाइल्स को अपनी खुराक बनाते हैं। दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरानकुन इनका शिकार करने का तरीका है। इस पौधे के पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं कि ये बंद भी हो जाते हैं और खुल भी जाते हैं, और पत्ते के अंदर ऊपर और नीचे वाली साइड पर तीन तीन बारीक कांटे बने होते हैं, जिन्हें ट्रिगर्स कहा जाता है। दोस्तों, ये पौधा अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए अपने हर पत्ते के अंदर एक ऐसा लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ही मीठा और खुशबूदार होता है। जब कोई जानदार पत्ते में से इस मीठे रस को चूसने के लिए आता है और ट्रिगर के साथ एक बार टच होता है, तो ये पौधा अपने उस पत्ते को बंद करने के लिए रेडी हो जाता है। जूं ही इसका शिकार दूसरी बार ट्रिगर के साथ टच होता है, तो वो पत्ता फौरन ही बंद हो जाता है, और फिर ये पत्ता तभी खुलता है जब इसके अंदर मौजूद शिकार मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो जाए। इस पौधे का खुराक हासिल करने का ये प्रोसेस सच में माइंड ब्लोइंग है। आपको ये कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलें। अगर अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। सारासिनिया लकोफ्ला। दोस्तों, ये पौधे अमेरिका और कनाडा के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं और इन्हें पिचर प्लांट्स की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। पिचर प्लांट सुराही की तरह दिखने वाले प्लांट्स को कहा जाता है। टोटल इस दुनिया में 80 डिफरेंट टाइप्स के पिचर प्लांट्स मौजूद हैं, जिनमें से एक ये सारासिनिया लकोफ्ला है। दोस्तों, ये पौधा एक फनल की तरह होता है, जिसके ऊपर एक पत्ता भी होता है और इस पत्ते पर छोटे छोटे बाल निकले होते हैं, और इन्हीं बालों में से आने वाली टॉक्सिक स्मेल छोटे जानदारों को अट्रैक्ट करती है। जब कोई जानदार इस पौधे के मुंह पर आकर बैठता है तो स्मेल की वजह से वो चक्कर खाकर फनल के अंदर गिर जाता है। इस फनल के अंदर डाइजेस्टिव लिक्विड मौजूद होता है, जिसमें डूबकर कुछ ही देर में शिकार की मौत हो जाती है, और अगर कोई शिकार जैसा कि मक्खी वगैरह इस फनल में से बाहर निकलने की कोशिश करे तो वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये फनल अंदर से बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होती है। ऐसे ये पौधा छोटे जानदारों के लिए मौत का कुआं साबित होता है।
कोबरा लिली। दोस्तों ये पौधा भी पिचर प्लांट्स की कैटेगरी में आता है जो कि सिर्फ कैलिफोर्निया में ही पाया जाता है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया पिचर प्लांट भी कहा जाता है। इस पौधे की लुक कोबरा स्नेक की तरह होती है और इसके मुंह के आगे बाहर की तरफ एक पत्ता निकला होता है जिसके ऊपर शिकार के लिए मीठा रस मौजूद होता है। जब शिकार इस अमृत को लेने के लिए आता है तो इस पौधे के ऊपर वाले हिस्से पर स्पॉट्स होने की वजह से वहां से आती रोशनी को देखकर शिकार को लगता है कि बाहर खुली फिजा में जाने का रास्ता ऊपर को है, लेकिन असल में ये रास्ता उसे मौत के मुंह में धकेल देता है जहां से वो लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं निकल पाता और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इसके लिए इस पौधे के अंदर वाले हिस्से में सबसे नीचे स्मॉल लार्वाज और तरह तरह के बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो इसे शिकार को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। दोस्तों क्या आज से पहले आप ऐसे पौधों के बारे में जानते थे? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। सच में ऐसे पौधे तो फिक्शनल मूवीज में ही देखने को मिलते हैं और रियल लाइफ में इनकी मौजूदगी वाकई में हैरानकुन है। ब्लैडर वर्ट। दोस्तों ये पौधा तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। इस पौधे की टोटल 233 स्पीशीज इस दुनिया में मौजूद हैं। इस पौधे की जड़ें नहीं होती, इसकी सिर्फ शाखें और पत्ते ही होते हैं जो कि काफ़ी बारीक होते हैं। इन पत्तों के बारे में सबसे हैरानकुन बात ये है कि ये पत्ते खतरनाक बुलबुलों की तरह काम करते हैं जो कि इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि ये फूल कर एक ब्लैडर के साइज जितने हो जाते हैं, इसीलिए इनका नाम ब्लैडर वर्ट रखा गया है। दोस्तों हर पत्ते यानी ब्लैडर के मुंह के पास एक दरवाजा नुमा एंट्री पॉइंट होता है जो कि सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है और इन एंट्री पॉइंट्स पर छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं। जैसे ही कोई जानदार इन ट्रिगर्स को टच करता है तो वो जट से अंदर की तरफ खींच लिया जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद इसकी मौत हो जाती है और फिर इस बुलबुले के अंदर मौजूद बैक्टीरियाज शिकार को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस पौधे की शिकार करने की स्पीड को दुनिया के तमाम कार्निवोरस प्लांट के मुकाबले सबसे तेज तरीन माना जाता है। इसका एक नमूना आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं जो कि असल क्लिप को 10 गुना स्लो करके दिखाया गया है। तो दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद चंद ऐसे अजीबोगरीब पौधे जो कीड़े मकोड़ों का शिकार करके खुराक हासिल करते हैं। आपको इनमें से किस पौधे का शिकार करने का मेथड सबसे हैरानकुन लगा नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ बना सकूँ। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।